हिंदू संगठन और कोड़वाल समाज के द्वारा आज भी गरोड बंद रखा संगठन का आरोप है कि हमारे नगर की बेटी को मुस्लिम समाज का लड़का 16 मई को षड्यंत्र पूर्वक 3-4 साथियों के साथ बहला फुसला कर अपहरण कर घर से उठा ले गए थे। पुलिस ने गुमशुदी की कायमी कर 2 दिनों में बरामद करने का आश्वासन दिया था, मगर अभी तक नहीं मिलने से और पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं करने से नाराज होकर आज फिर हिंदू संगठन द्वारा बंद का आह्वान कर नगर के प्रमुख मार्गों से जुलूस निकाल कर गरोड पुलिस थाना में ज्ञापन दिया, जिसमें SDA में भी एडिशनल SP की मौजूदगी में हिंदू संगठन और पोड़वाल समाज द्वारा ज्ञापन देकर कहा गया कि यदि 24 घंटे में लड़की नहीं मिली तो हम लोग जिला ही नहीं पूरा मध्य प्रदेश बंद करवाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। लोगों में भारी आक्रोश था पुलिस प्रशासन के प्रति। पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लगाए और अपनी नाराजगी जाहिर की। ज्ञापन का वाचन गरोट नगर के राजेश जी सेठिया ने किया। इस अवसर पर गरोट एवं आसपास के गांव में शहरों के अनेक युवा एकत्रित हुए। हम लोग बोरवाल नारे में भी आए थे और आप लोगों से रूबरू बात की थी, बहुत सारे लोगों से उपस्थित थे। मैं कुछ चीजें सार्वजनिक नहीं कर सकता हूँ, कुछ चीजें, लेकिन आपके साथियों को, परिवार वालों को लगातार अपडेट करते रहा हूँ और हमारी पूरी टीम लगातार अपडेट करती रही है। आज जो नगर बंद रहा उसका क्या कारण है? नगर बंद का कारण ये रहा है कि 16 तारीख को जो घटना हुई थी किरण स्थान पर समाज के एक बरका चौधरी उसके साथ चली गई, तो पोरवाल समाज का ये कहना है कि उसको बेला फुसला कर ले जाया गया है। तो गुमशुदगी दर्ज करने के बाद लगातार पुलिस पार्टियां जहां जहां लोकेशन मिली वहां पर गई और इस मामले में किसी प्रकार की कोई कमी पुलिस द्वारा नहीं रखी गई। परंतु कुछ मामला ऐसा होता है कि उनके तो भागने के या जाने का हजार रास्ते हैं, पुलिस को क्लू मिलता है तो वहाँ पुलिस पहुँचती है, तब तक खुद जा चुकी होती है। ऐसा 2-3 मौके पर देखने को मिला। जब 2 दिन पहले कोरवाल समाज की और सारे लोगों से बैठक हुई थी कोरवाल धर्मशाला में, तब हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें 2-3 दिन दें, तो उन्होंने वास्तव में हमें समय दिया कि साहब आप लोग लड़की बरामद करें, हमारी बात भी मानी। पर ये हुआ कि अभी तक कोई क्लू नहीं मिलने के कारण हम लोग उस सीमा तक नहीं पहुंच पाए कि हम लड़की बरामद करके बचा सकें। आज तक की तो यही स्थिति है, परंतु आज तक की ये भी स्थिति है कि जहाँ जहाँ क्लू मिला वहाँ पुलिस गई, रात को भी मंदसौर गई, कल रात में झारड़ा गई, आज भी कई टीम गई है। तो सारी की सारी आदेश एडिशनल SP साहब और SP साहब के नेतृत्व